You have learned how we are perceiving event number one and how what is happening as a event number two. पूरी रात बच्चे पढ़ते हैं इवेंट नंबर वन कितना परसीव हुआ इवेंट नंबर टू. इवेंट नंबर वन फैक्ट है, इवेंट नंबर टू आपका परसेप्शन, आपकी लर्निंग है. अब मुझे ये बताइए क्या इवेंट नंबर वन एंड इवेंट नंबर टू दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग है, ठीक है. लेकिन क्या करती है इवेंट नंबर टू? इवेंट नंबर टू आपको क्या करती है, जैसे आप इवेंट नंबर टू फॉर्म हुई, ये इवेंट नंबर टू चल रही, आपने कहा यार ये तो बोरिंग है. इवेंट नंबर टू, इवेंट नंबर वन तो डिफरेंट है, तो आपने कहा ये तो बोरिंग है बिकॉज यू फेल्ट इट. दूसरा कह रहे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो इवेंट नंबर वन में कुछ नहीं है, इवेंट नंबर टू में है जो विकट वर्ड है. ये इमीडिएट क्रिएट करती है आपके अंदर एक मानसिक दशा, दैट इज कॉल्ड स्टेट. ठीक है, यहां तक भी ठीक है. और ये स्टेट दो तरह की हो सकती है. वन, इट कुड बी रिसोर्सफुल. रिसोर्सफुल हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, ठीक है, जॉय, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजें, कॉन्सेंट्रेशन, डिलाइटफुल नेट्स, ठीक है. सेकंड है अनरिसोर्सफुल. नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कहेंगे, रिसोर्सफुल अनरिसोर्सफुल. रिसोर्सफुल इसलिए कहा है कि जब आप इस स्टेट में होंगे तो आप अपने माइंड के और बॉडी की रिसोर्सेज को यूज करने की दशा में हैं. जो आपके पास संसाधन है, मानव संसाधन जो आपके पास है, उन्हें यूज करने की दशा में है इस स्टेट में. और दूसरी स्टेट में अनरिसोर्सफुल, जिसमें आपके पास जो संसाधन है वो आप यूज नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल एंगर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन. यू विल नॉट बी एबल टू यूज योर होल रिसोर्सेज नाउ. राशनिंग जरूर होगी रिसोर्स को यूज करने में, इज दैट राइट? और ये स्टेट पॉजिटिव या रिसोर्सफुल या अनरिसोर्सफुल है, इससे एकदम से निकलेगा क्या गौरव? इससे तय होगा आपका बिहेवियर. क्या तय होगा, डिफाइन होगा आपका बिहेवियर, यस और नो? और वो बिहेवियर दो तरह से होगा. वन, वर्बल, आप क्या चीजें कहने जा रहे हैं. सडनली को एकदम से कुछ आपने मिसहैपनिंग देके आपने यार कुछ नहीं होने का, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं हो सकता सर, आप कुछ नहीं हो सकता, मींस योर वर्ड्स. एंड नॉन वर्बल, सडनली आपकी बॉडी विल टेल यू व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. कंधे झुककर रिसोर्सफुल, वाओ कुछ नहीं बोला, इवन योर बॉडी इज सेइंग मोर देन योर वर्ड्स, कुछ नहीं बोला, इज दैट राइट? इवेंट नंबर थ्री हो गया, ये इवेंट नंबर थ्री हो गया, यहां से लेके यहां पर बीच में ही आउटकम जो निकला, इज दैट राइट? सो एक एक्सीडेंट हुआ रोड पर, देखने वाले ने कहा वेरी बैड, और जिसने आज ही हॉस्पिटल खोला है करोड़ों रुपए लगा के, उसने कहा जिसने कराया उसने कहा मेरा आउटकम ऐसे. सो एवरी टाइम देयर इज नो नथिंग इन इवेंट, ये आपके ऊपर. फिर हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं क्योंकि यहीं से है सारा. अगर ये चैप्टर यहां तक क्लियर हो गया तो फिर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होते चले. फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर लेते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी चीज को, ये इवेंट हो रही है, डिफरेंट इवेंट्स, ठीक है ना, हम परसीव करते हैं फाइव सेंसेस से, यूजुअली थ्री मान लेते हैं, विजुअल सेंस का यूज करते हैं, नंबर टू ऑडियो मींस ऑडिटरी सेंस का यूज करते हैं, थर्ड वन इज काइनेस्थेटिक का यूज करते हैं. उसके बाद क्या होता है यहां पर बताएं, यहां पर ब्रेन हमेशा कुछ चीजों को उनमें से डिलीट कर देता है, कुछ चीजों को डिस्टॉर्ट करता है, कुछ को जनरलाइज करता है, डीडीजे जी, राइट? उसके बाद ये हमारे माइंड में स्टोर में जाता है,
स्टोर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टोर कीपर देखिए कैसा है, ये हिंदुस्तानी स्टोर कीपर है हमारा, कि जैसे ही आपने उसे कुछ दिया थोड़ा सा उसमें खाके देखेगा, थोड़ा सा आप ये पूरा करना है तो इसमें थोड़ा सा ये मिला दिया, खराब भी कर दिया, डिलीट भी कर दिया और अच्छा है खराब है रख दिया, वो आप काम आएगा आपके लिए लाइफ में, ठीक है। यहां से इसने स्टेट क्रिएट करी, स्टेट स्टेट को डिफाइन कर, स्टेट या तो रिसोर्सफुल होगी या अनरिसोर्सफुल होगी। रिसोर्सफुल का मतलब व्हेन यू आर एबल टू यूज योर रिसोर्सेज, हमारे बच्चों को अगर रिसोर्सेज को यूज करना सीख ले वो, तो इसके उनके पास कितनी रिसोर्सेज होते चाइल्डहुड में, ठीक है ना। और अनरिसोर्सफुल स्टेट में हमारी एजुकेशन सिस्टम और हमारी कई बार विद ड्यू रेस्पेक्ट टीचर्स प्रिंसिपल ही डाल देते हैं, दे टेल देम व्हाट यू कांट डू। हमारे एजुकेशन सिस्टम बच्चों को ये बताता है कि यू आर ओनली 80%, यू आर 90%, यू आर नॉट 100%, जबकि ही वाज बोर्न 100%, पर हम उन्हें बताते हैं यू आर 90%, क्योंकि टीचर सिग्निफिकेंट है उनके लिए, बच्चा भी मान लेता है और बेचारा क्या करे। चाइल्ड स्टेट में उसको चीजें थोपी जाती हैं, पेरेंट्स भी उसको थोप देते हैं कि नहीं नहीं यू आर ओनली 80%, माय डियर फ्रेंड इज 100%, उसको ये याद यकीन दिला। और एक टाइम आएगा कि वो बर्डन इतनी अनरिसोर्सफुल स्टेट आती है इसको कि उसको बर्डन को झेल नहीं पाता। मोस्ट ऑफ योर आइडेंटिटी इज फॉर्म्ड बाय दिस स्टेट, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप लंबे समय तक खुश रहते हैं तो आप खुश कहलाने वाले व्यक्ति कहलाएंगे, लंबे समय तक आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं तो लोग आपको इंटेलिजेंट कहेंगे, ऐसा नहीं कि आप बेवकूफी नहीं करते हैं। लंबे समय तक अगर आपकी स्टेट स्टूपिडिटी की रहती है तो लोग आपको स्टूपिड कहते हैं, ऐसा नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप अपने फीते बांधना जानते हैं, आप अपना चेहरा धोना जानते हैं, लेकिन लंबे समय तक मींस ये स्टेट है आपका जोन, जो आपका एक्सटेंडेड जोन होगा वही आपकी आइडेंटिटी लोग बनाना शुरू कर देते हैं। और कई बार अगर उस आइडेंटिटी को आप क्वेश्चन नहीं करते एनएलपी से तो खुद भी मान लेते हैं कि मैं शायद यही हूं, और चाइल्डहुड में यही आइडेंटिटी फॉर्म होती है। When a teacher says that you can't do it, you are stupid, वो बच्चा ले लेता है that I am stupid because I am not doing it. अब वो इस आइडेंटिटी को ले लेगा, now he will be consistent to this identity, he will not do anything now. So हमारे नुकसान बहुत करते हैं हमारे कई बार टीचर्स अनोइंगली, यद्यपि उनका कोई, मैं ये नहीं कहता उनका कोई इंटेंशन है, बट दे डू इट। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा इवेल्यूशन सिस्टम बहुत गलत है। Who are you to evaluate a child? When he's growing fast, he's learning. He can learn the whole movie in one go, but he can't learn one paragraph. Where is the problem in child? No, in your education system, because he is able to learn the whole movie in one go. He never goes to coaching institute, does he? कभी नहीं जाता। पूरी फिल्म याद है। एक के बाद बता देगा कि मुन्नी भाई कहाँ डांस करेगी और वो बाम भी कौन सा लगाएगी। उसकी ऑडियो भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपके दो फॉर्मूले उसे याद नहीं है तो बच्चे में गड़बड़ है। बच्चे में गड़बड़ नहीं है, आप में गड़बड़ है। बच्चा लर्न नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है टीचर्स का। इन केस द चाइल्ड इज नॉट लर्निंग, यू आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, इट मीन्स योर स्टडीज इज रॉन्ग। बच्चे का तो माइंड की स्ट्रेटेजी आप नहीं जानते, जो हम एनएलपी में सीखेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि सर आई वॉज टीचिंग बट पीपल वर नॉट लर्निंग, तो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि सर द सक्सेस द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड, वेयर इज द ऑपरेशन सक्सेसफुल, राइट। ये याद रखिएगा, जितने भी हेल्दी लोग होते हैं उनका स्टेट, हेल्थ का स्टेट जो है वो एक्सटेंडेड होता है, जितने बीमार लोग होंगे उनकी बीमारी का जो जोन है वो एक्सटेंडेड है। सो फिर जोन क्या हुआ, ये डेफिनेशन सिंपल है, किसी भी मोमेंट पर आपके दिमाग में जो चल रहा है और बॉडी में जो चल रहा है उसका सम टोटल स्टेट कहलाती है। सडनली मैं कहूं सर नीचे आपकी कार गायब है, एक सेकंड, इस वक्त जो स्टेट बनी है सम टोटल ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड इन बॉडी, इसका सम टोटल आपका स्टेट है उस वक्त का, इज दैट राइट। सडनली किसी ने कहा कोई बात नहीं सर नहीं आ जाएगी, बदल गए स्टेट। किसने कहा सर सत्यानाश हो गया और डीप हो गए। सो योर जोन इज ऑलवेज योर आइडेंटिटी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट।
सो अनरिसोर्सफुल स्टेट जो आपको रिसोर्सिस का यूज नहीं करने देगी, ठीक है जी। और अगर ये लंबे समय तक आपके साथ जोन चल रहा है तो चांसेस आर दैट यू विल शो दोज पैटर्न्स इन योर बॉडी ऑल्सो, एक्सटेंडेड डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस इज सीन इन द बॉडीज। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए उन डिजीज को मेडिकल साइंस कभी भी डिजीज नहीं कहती, साइकोसोमेटिक डिजीज कहती है। साइकोसोमेटिक का मतलब हुआ, साइको मींस ब्रेन, सोमा मींस बॉडी, SOMA, सोमा मींस बॉडी। अगर ये डिजीज बॉडी की होती तो सोमेटिक डिजीज कहा करते, फिर हमारा मेडिकल साइंस हर डिजीज को, मोस्ट ऑफ द डिजीज को ये क्यों कहते हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज है, इंक्लूडिंग कैंसर और अर्थराइटिस और अस्थमा और एलर्जी, ये साइकोसोमेटिक है। इसीलिए डॉक्टर आपसे कहते हैं स्ट्रेस मत लिया करो। और दूसरी बात है कि उन्होंने MLP में एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये भी डाल दिया कि स्ट्रेस लिया करो, क्योंकि नेगेटिव वर्ड को हमारा ब्रेन नहीं लेता, वी विल प्रूव इट, ठीक है। दूसरी है रिसोर्सफुल स्टेट, कोई भी स्टेट होगी तो आप एक बिहेवियर जरूर करेंगे। दो स्टेट आई और आप शांत खड़े, ये भी एक बिहेवियर ही है, ठीक है। नॉट रेस्पॉन्डिंग इज अ बिहेवियर। बिहेवियर होगा दो तरह से, या तो वर्बल और नॉन वर्बल। सडनली आपने कोई न्यूज सुनी, आपका चेहरा बदलना शुरू हो गया, आपकी नाक खुलनी शुरू होगी, आपकी एक्सपेंड होनी शुरू होगी, पीपल आपकी होट शुरू होगी, राइट, ठीक है ना। आपकी सांस तेज से होगी, आपके कंधे झुक गए या ऊपर हो गए, ठीक है। इस दिस कॉल्ड स्टेट। द प्रॉब्लम, द चैलेंज लाइज विथ ह्यूमन बीइंग दैट वी डू नॉट नो हाउ टू गो इन टू द स्टेट एंड हाउ टू कम आउट ऑफ द स्टेट। थिंक फॉर अ सेकेंड, a batsman is ready to face the ball and suddenly he says pata nahi yaar kya hoga yaar phir ye Shoaib Akhtar aa gaya yaar is baar nahi hua to yaar samne ye captain khada hai ye mere se bilkul bhi baat kar raha hai wo kaise acting kar raha hai uski jagah wo confidence bhi ho sakta tha delightfulness bhi ho sakti thi aap flow mein ho sakte the isliye state ko kai words use hote hain he is in flow zone जोन ऑफ एक्सेलेंस एक वर्ड आता है ग्रुप GROVE ग्रुप का मतलब है टू बी इन फ्लो म्यूजिक में कई बार जब आप शूटिंग देखेंगे तो घंटों तक एक्स्ट्रास को नचाते रहते हैं उसके साथ एक्टर के तब एक शॉट लिया जाता है बिकॉज ही इज वेटिंग द पीपल टू कम इन टू द जोन सो जोन इज द बेसिक जिस दिन आप जोन में नहीं होंगे गौरव जी गड़बड़ होगी ठीक है सो सवाल उठता है कि अगर ये स्टेट इतनी इंपॉर्टेंट है और ये बदलती रहती है तो व्हाट शुड बी डन अब क्या क्या जाए ठीक है कौन कौन से कंपोनेंट है छोटा सा ब्रेक लेने से पहले हम कंपोनेंट को भी देखें